145 मांजलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तस्फीन सिंह के चुनाव प्रचार में उनके समर्थन हेतु पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पहुंचे। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। अब जबकि चुनावी प्रचार पूर्ण होने में कम समय बाकी रह गया है, ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। आज वडोदरा में 145 मांजलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तस्फीन सिंह के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने आज इस विस्तार में बाइक स्कूटर रैली निकाली और लोगों से कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा से परेशान हो तो परिवर्तन लाओ, कांग्रेस को जिताओ, कुशासन से छुटकारा पाओ। मतदाताओं को धोखा देने कई जादूगर आते हैं, ये सब नौटंकी है। तमाशे को बुलावा नहीं होता, वे आशावादी हैं, भाजपा जाएगी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पक्ष से विजय बनाओ, नक्की करें से पंजाब विजय बनाओ, नक्की करें करें उठे एक नंबर इस सामने बने दबाओ, कांग्रेस पक्ष से विजय बनाओ। अब कमल एनसी की सरकार में कमल बहुत भारी सरकार है, अब कमल बहुत भारी सरकार है। संस्कृति नगरी नगरी में 5मी तारीख माटेनू महायुद्ध इलेक्शन कांग्रेस भाजप वगैरह वगैरह एना अनुसंधान में हूँ कांग्रेस उम्मीदवारों प्रचार माटे अने वडोदरा बुद्धिशाली मतदारों ने विनंती करवा आयो छूं कि मेहरबानी करीने 27 वर्षथी कंटाळ्या होय बीजेपी थी तो एक वक्त कांग्रेस लाओ, परिवर्तन करो, परिवर्तन 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 जीवनों क्रम से कुदरती क्रम से मेहरबानी करीने आ वक्ते माजलपुरना उम्मीदवार अने बाकी राज्य कांग्रेसना उम्मीदवारों होय ये बधाने तमे गांधीनगर मोकली आपो, पछतावो नहीं थाय, पछतावो थाय तो 5 वर्षे बदली काढजो, पण 27 वर्षना शासनना कुशासन दुशासनना शासनमांथी छुटकारो प्राप्त करो, आ संदेश। भाजपनी आखी टीम आई छे, कांग्रेसनी टीम जगाती नथी। टीमनो इलेक्शनमां टीमनी जरूर ना होय, मतदारोने छेतरवा माटे तो घणा जादુગરો આવે, આમાં જો તમે 27 વર્ષ સુધી લોકોની સેવા કરી હોય તો આવવાની ક્યાં જરૂર હતી? એટલે આ તો બધું નૌટંકી છે, એક જાત નહીં, તમાશો છે એમના માટે, તમાશાનું તેડા ન હોય, ચાલો પછી આગળ મળ્યા મળતા રહીએ, બનશે ઉમેદ છે? હા, હું આશાવાદી છું કે બીજેપીની સરકાર જશે, નવી સરકાર બનશે।